हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत। हाँ, हमें भी पता है आपके चैनल का नाम सुरेंद्र एक्सपेरिमेंट है। बताइए क्या बात है, क्या बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स? आज के इस वीडियो में हम तीन मज़ेदार साइंस एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। साइंस एक्सपेरिमेंट या विज्ञान के एक्सपेरिमेंट, कौन से एक्सपेरिमेंट? साइंस एक्सपेरिमेंट या विज्ञान के एक्सपेरिमेंट, बात तो एक ही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है। इंटरेस्ट है भाई, इंटरेस्टिंग या मज़ेदार या फिर ठीक, बात तो एक ही है। अरे यार, आपकी वजह से देखिए कितना लोग हंस रहे हैं यार, शांत रहिए प्लीज। अच्छा ठीक है भाई साहब, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, सुरेंद्र एक्सपेरिमेंट जी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाते हैं। फ्रेंड्स, सुरेंद्र एक्सपेरिमेंट जी की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही इंटरटेनमेंट वाली इनकी वीडियोस होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग दिल से इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, इनकी वीडियोज़ को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पर कैंडल ले लिया है और इस कैंडल के साथ क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं आप देखते रहिए। तो यहाँ पर मैंने इस कैंडल को रख दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस कैंडल के ऊपर, इसके फ्लेम के ऊपर कांच का गिलास रखता हूँ और फिर देखते हैं कि ये गिलास से कैंडल बुझता है कि नहीं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पर गिलास रखने पर कैंडल बुझ गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आग तभी जलती है जब उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। यहाँ पर क्या होता है कि गिलास जैसे ही ऊपर रखा जाता है तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो आग को बुझाने का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसकी मदद से यहाँ पर आग बुझ जाती है। तो भाई, सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम कैंडल के गुण को समझने वाले हैं। तो इसके लिए हमने जलते हुए कैंडल को हम बुझाएंगे और आगे का एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओह फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं, जलती हुई मोमबत्ती जब बुझी तो इसमें इसके धुएं के ऊपर सफ़ेद वाइट कलर के धुएं के ऊपर जैसे ही माचिस की तीली लगाई वो बर्न हो गया, वो जलने लगी, मोमबत्ती फिर से जलने लगी। तो यहां पर क्या होता है कि जो कैंडल होता है, कैंडल आग से मेल्ट हो जाता है और वो गैस फॉर्म में हो करके ऊपर की ओर धुएं के रूप में उठता है। ऊपर की ओर जो धुआं उठता है उसमें कैंडल के, उसमें मोमबत्ती के कुछ अंश मिले हुए होते हैं, इसीलिए उसमें आग लगाने पर मोमबत्ती फिर से जल उठता है। तो फ्रेंड, थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम ये जानने वाले हैं कि जो पानी होता है इसमें एयर होती है या नहीं, इसमें एयर मिक्स होती है या नहीं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर आधा टेस्ट ट्यूब वाटर ले लिया है। तो इस टेस्ट ट्यूब वाटर को हम कैंडल के ऊपर जलाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर इसको जलाना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो पानी गर्म हो रहा है इसमें से बुलबुले निकल रहे हैं। एक्चुअल में ये बुलबुले जो हैं तो ये पानी में घुली एयर है जो गर्म होकर ऊपर की ओर जा रही है, यहां पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि कितनी स्पीडली से बड़े बड़े बुलबुले ऊपर की ओर रिलीज हो रहे हैं। टेस्ट ट्यूब स्टैंड भी वाइब्रेट हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बलून भी फूल जा रहा है। फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि पानी में एयर मिक्स होती है, पानी में एयर घुली होती है। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सा वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा नीचे कमेंट में बताइए। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा
पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में है, वहां जाकर के देख लीजिए फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है फ्रेंड्स। इसी तरह के अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहेंगे फ्रेंड्स। हमारे चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।